नंबर है 50, हमें इंटीग्रल निकालना है। देखिए क्या दिया होगा, 1 बाई में है साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर ऊपर जो है ना, यहाँ 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते, उसका वैल्यू 1 होता है, और नीचे आपका साइन एक्स है और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग यहाँ पे डिवाइड कर लो। तो यहाँ देखिए डिवाइड करने पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई में साइन एक्स इंटू में है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई में है आपके पास साइन एक्स और इंटू में है आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए इसमें जो जो कटने वाला काट देते हैं, देखिए यहाँ साइन से एक साइन कट जाएगा। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे क्या बचेगा, एक साइन है नीचे कॉस है टेन और एक कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो सेक एक्स इंटू में आपका टेन एक्स और प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा ऊपर वन और बाई में साइन एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा इंटीग्रल सेक एक्स, ठीक है, और प्लस कॉसेक एक्स का क्या होता है लॉग टेन एक्स बाई टू होता है ना जी, और प्लस में आपका ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देख